गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्टैंडर्ड प्लस टू, बुक नेम फ्लेमिंगो, पार्ट प्रो सेक्शन एंड लेसन कंटिन्यू। द सेकंड लेसन, लॉस्ट सफरिंग। बिफोर दिस यू हैव रेड अबाउट इन द फर्स्ट पार्ट साहेब आलम, एक रैक कीपर and belong to the family of Bangladesh, and the second part about a youngest boy Mukesh and his family. We know very well in whole India the famous place of bangle making is Firozabad. Firozabad is attached to New Delhi. And more than 20,000 children and families live there, and they have only one of the profession is bangle making. और आप और हम जानते हैं कि कुछ ऐसे profession हैं जिनके बनाने वालों की दशा बहुत ही दयनीय है, जबकि बाज़ार के अंदर उनकी बनाई हुई चीज़ें बहुत महंगे रेट पर बिकती है। तो एग्जांपल हम बैंगल्स का लेते हैं। अनीस जंग लेखिका ने बड़ा मार्मिक चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, एंड लेट अस स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लेसन। वर्ड मीनिंग आपने प्रत्येक स्टोरी के, यानी कि प्रत्येक पैसेज के लर्न करने हैं, क्योंकि वोकैबुलरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश टू लर्न एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। नाउ स्टार्ट। इट इज़ हिज कर्म, जिसको आप कर्मा कहते हैं, हिज डिस्टनी होता है भाग्य। सेज मुकेश ग्रांड फादर मदर, मुकेश की जो दादी माँ कहती है कि ये तो कर्म है। आपने कई बार देखा होगा गांव में लोग कह देते हैं ये गरीबी तो हमारे कर्म में लिखी हुई है, ये तो भाग्य में लिखी हुई है, तो वो भी ऐसा मानती है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट, डस्ट रेत होती है, फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिश करना, द ग्लास ऑफ बैंगल्स, ये जो कांच की चूड़ियां हैं इसको पॉलिश करने में मुकेश की दादी माँ ने भी अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। कैन ए गॉड गिवन लीनेज ईवर बी ब्रोकन, क्या ये भगवान यानी कि परमात्मा जिस पारंपरिक धंधे में पैदा करता है कभी ये चेन टूटेगी? यानी कि हमारे अभी तो काफ़ी बदलाव हो गया, वरना एक पैसा बना हुआ था, लुहार के घर जन्म लेता तो लुहार का काम करेगा, लकड़ी का काम करने वाला लकड़ी का करेगा, नाई के काम करने वाला नाई करेगा, अब ये चेंजेस आने शुरू हो गए। सी एम्प्लाइज, वो कहती है, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स, यानी चूड़ी बनाने वाले के परिवार में पैदा होना, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ बनाना ही सीखा और कुछ नहीं सीखा। जैसे आमतौर पर लगभग मोस्टली हम किसानी लोग हैं तो हमारे परिवार की जनरेशन है वो, जैसे बाप दादा हमारी खेती करते थे तो हम भी करते हैं, इस प्रकार प्रोफेशन सदियों से चला आ रहा है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक घर में फिरोजाबाद में, एवरी अदर यार्ड जो बाहर की जो खुली जगह होती है उसमें, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, प्रत्येक गली में फिरोजाबाद में, कहती है कि चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ आपको दिखाई देगी और कुछ नहीं दिखाई देगा। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द सेम, हाँ, फिरोजाबाद, सप्रिज ऑफ बैंगल्स, सप्रिज होता कि चूड़ियों के गुच्छे गुच्छे, आप बाजार में जब खरीदते हैं ना, कुछ सिंगल चूड़ियाँ होती है, बाकी आप हाफ डजन या डजन के रूप में लेते हैं, इस तरह गुच्छे बंधे होते हैं। सनी गोल्ड, ये कलर मिलेगा, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, बरसात के बाद जिस प्रकार इंद्रधनुष के जो सात रंग होते हैं, तो आपने बाजार में देखा होगा कि बैंगल शॉप पे अनेक प्रकार के रंगों की ये चूड़ियाँ मिलती है, और ये लगभग 99% फिरोजाबाद से आती है। लाई इन मोड्स इन अनकैप्ड यार्ड्स, और घरों के आंगन में इनके ढेर पड़े होते हैं, कहाँ पर, फिरोजाबाद में। आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, फोर व्हील्ड जो रेडी होती है,
आमतौर पर सब्जी बाज़ार में आप देखते हैं, तो इनके ऊपर भी इनके ढेर लगे होते हैं, पुश्ड बाय यंग मैन, नौजवान उनको खींचते हैं अलोंग द नैरो लेंस ऑफ द सेंटी टाउन, और अपनी जो छोटी छोटी तंग गलियां हैं उनसे शहर की ओर वो बाज़ार में बेचने के लिए जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और जो उनके झांपड़े हैं जो बने हुए हैं, जो पूरा प्रकाश भी नहीं है, नेक्स्ट टू लाइंस टू फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, जहाँ पर मध्यम यानी कि वो तेल से जलने वाले जंप, कभी उनकी रोशनी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, फ्लैकरिंग होता है, कभी जग जाते हैं कभी बुझ जाते हैं। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर, वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ अपने माता पिता के पास बैठे हैं। वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्स ग्लास, और रंगीन जो ग्लास हैं उनको वेल्डिंग कर रहे हैं, अर्थात चूड़ियों के ऊपर दाने लगना, चूड़ियों को जोड़ना, ये आपने जैसे चूड़ियाँ बनती है तो इसमें पिघलाकर किया जाता है। इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों को गोल बनाने के लिए। दियर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, यानी कि उनकी आँखें भी बाहर की जो रोशनी है उससे ज़्यादा अंधेरे में काम करने में अभ्यस्त हो गई, क्योंकि ये डेली का रूटीन बन गया है। दैट इज़ वाई दे ओपन एंड अप लूजिंग दियर आई साइड बिफोर दे बिकम अडल्ट, और जो ही वो बड़े होते हैं यानी 30-35 साल की आयु तक, लगभग फिरोजाबाद के अंदर लोगों के चश्मा लग जाता है और कई तो अंधे ही हो जाते हैं। सविता नेम ऑफ ए गर्ल, ए यंग गर्ल इन ए ड्रैब, ड्रैब होता है एक फटी पुरानी पिंक कलर की ड्रेस में, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वूमेन, एक बुजुर्ग महिला के बगल के अंदर सविता नाम की एक नौजवान, एक युवा लड़की बैठी है जिसने एक पिंक ड्रेस पहन रखी है फटी पुरानी। सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, और वो उनको यानी कि चूड़ियाँ बनाने में अभ्यस्त है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, और उसके हाथ इस प्रकार चूड़ियाँ बनाने में घूम रहे हैं जैसे वो मशीन काम करती है, यानी अभ्यस्त हो गई है वो गुड़िया। आई वांडर इफ सी नोज द सेंसिटी, पवित्रता होती ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मेक, और मुझे आश्चर्य, अनिश जंग कहती है कि मुझे आश्चर्य कि इस लड़की को, हो सकता है उसकी 12-13 साल उम्र हो, अभी तक इसको चूड़ी की पवित्रता का पता नहीं है, यानी कि बैंगल्स, व्हाट इज द रियल मीन ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों का असली मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वोमेन सुहाग, अनिश जंग कहती है कि इसका जो प्रतीक है वो भारत में भारत की औरतों के लिए सुहाग है, एस्पिशंस इन मैरिज, और ख़ास तौर पे शादी में। इट विल डान ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद रेड वेल, रेड यानी कि लाल दुपट्टा, आपने देखा होगा लाल जोड़ा, तो एक दिन उसे पता चलेगा कि जब उसके सिर पर भी लाल जोड़ा है वो रख दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना, हाइना हीना आपने देखा होगा, एक पिक्चर भी है, हीना होता है, और मेहंदी से उन मेहंदी उसके हाथों में लगाई जाएगी, लाल रंग की मेहंदी उसके हाथों में लगाई जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इन टू हर रिस्ट, और हाथों के अंदर लाल चूड़ियों का गुच्छा भी उसे पहनाया जाएगा। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो दुल्हन बन जाएगी, यानी शादी विवाह में देखा होगा, ये चीज़ें आमतौर पर आप जानते हैं। लाइक द ओल्ड वूमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, और इसी तरह जिस प्रकार जो बुजुर्ग महिला का जिसने जिक्र किया था, कई साल पहले वो दुल्हन बनी थी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसके हाथों में के अंदर चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, चूड़ियाँ तो है लेकिन आँखों में किसी प्रकार की चमक नहीं। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक कहावत है जिस प्रकार ये सीधा साधा वाक्य बोला गया है। सी सेज, वो जो औरत बैठी है सविता के पास, उसने कहा कि अब तक जीवन में शेर किलो से कम होता, गांव के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, अर्थात उसका कहने का तात्पर्य कि हम परिवारों में दो वक्त का खाना पूरे परिवार ने आज तक भरपेट नहीं खाया, तो आप गरीबी का आंकलन कर सकते हैं। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जिसमें किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं है, सी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, कितने मार्मिक शब्द कहे हैं कि वो औरत कहती है कि मैंने पूरे जीवन में कोई दिन ऐसा नहीं आया कि जिसमें आत्म संतुष्टि से पूरे परिवार ने पेट भर खाना खाया हो। दैट्स व्हाट सी हैज़ रिपीटेड, और उसी की वो उल्हाना कर रही है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज,
और उसका पति जो उसके पास बैठा है अपनी दाढ़ी को हिलाते हुए कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कहता है कि मैं चूड़ी बनाने के सिवा किसी भी काम को नहीं जानता। अर्थात ये बच्चे हैं और है तो वो प्रोफेशन वही जानेंगे। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और वो बुजुर्ग आदमी जो सविता के साथ औरत बैठी है उसका पति है वो कह रहा है कि मैंने पूरे जीवन में चूड़ी बनाने के इस कारोबार से जिससे परिवार पूरा जड़ा हुआ है और कोई काम किया नहीं, लेकिन मैंने अपने परिवार के लिए एक घर बना दिया। वो कहाँ पर? फिरोजाबाद में। तो बड़े फख्र की बात कहता है। हीरिंग, उसे सुनते हुए, वन वंडर्स इफ सी हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। और लेखिका को बड़ा आश्चर्य होता है कि इस व्यक्ति ने तो परिवार के लिए घर बना दिया और शायद फिरोजाबाद के अंदर इस तरह बहुत से लोग हैं जो जीवन भर इस व्यवसाय में लगे रहते हैं और परिवार के लिए शायद अपना घर ना बना सकते हों, अर्थात किराए के मकान में रहते हों। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता है वो व्यक्ति। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, आश्चर्य भी होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रखा है। तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि उसने अपने सिर पर एक छत बना दी यानी घर बना दिया। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कोई काम ना होना यानी कि धन का न होना, पर्याप्त बैंगल्स नॉट इवन अनअप टू इट, पर्याप्त भोजन का ना मिलना, रिंग्स इन एवरी होम, यानी फिरोजाबाद के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न है। जैसे ऊपर बताया भी गया कि भरपेट शायद खाना पूरा परिवार नहीं खाता, मकान भी इक्का दुक्का कोई बना लेते हैं, बाकी किराए पे रहते हैं। तो इस प्रकार का शोर और गरीबी हर घर में गूंजती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ द रिल्डर्स, और बड़े जो लोग हैं युवक हैं जो नौजवान हैं वो बड़ों की भांति ही इस चीज़ को महसूस करते हैं, वो गूंज उठती है। लिटल हैज़ मोड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद में जो समय बदला है यानी कि देश की आज़ादी के बाद दूसरे प्रदेशों में अब आप हमारे गाँव में और में जो बदलाव आए हैं, पहले गांव के अंदर कच्चे मकान थे, आज सभी गांवों में पक्के मकान हैं, पहले साइकिल या स्कूटरी का दुक्का होते थे, आज घर में गाड़ियां हैं सब कुछ, लेकिन दिल्ली के नज़दीक होते हुए फिरोजाबाद में ऐसा कुछ भी देश की आज़ादी के बाद नहीं बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग और टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, जो एक योग्यता का सपना है और कुछ करने की अभिलाषाएँ हैं, वो भी नौजवान हैं हमारे जैसे कि देश के लिए कुछ करे, परिवार के लिए कुछ करे, समाज के लिए कुछ करे, आजीविका के लिए करे, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए करे, लेकिन वो इतना परिश्रम करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं वर्षों के बाद भी। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव ? अब लेखिका कहती है कि भाई लोग आपको एक एनजीओ बनाओ। एनजीओ का मतलब जैसे समाज सेवा समिति बनी होती है हमारे, या जैसे हमारे गांव में ग्राम पंचायत बनी होती है, या समाज के कुछ लोग इस प्रकार होते हैं समाज को ऊपर उठाने के लिए क्लब बना लेते हैं। तो इस प्रकार का एक कोऑपरेटिव आपको सहकारिता संगठित क्यों नहीं कर देते? आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू द विशियस दुष्ट सर्कल ऑफ मिडल मैन। मिडल मैन होता है साहूकार, दलाल सर्कल, उनके घेरे में, हु ट्रैप्ड दियर फादर्स एंड फोर फादर्स। लेखिका कहती है कि एक ग्रुप में कुछ नौजवान व्यक्ति बैठे थे, यानी कि नौजवान बैठे थे, और उनको मैंने कहा कि आप लोग जो दुष्ट साहूकार हैं, दलाल हैं, इनको चक्रों में आपके पिता भी पड़े रहे, आपके दादा भी पड़े रहे, तो आप एक एनजीओ गठित कीजिए, एक अच्छा यूथ गठित कीजिए, इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज। उनमें से किसी ने कहा कि यदि हम किसी ऑर्गेनाइज का निर्माण करते हैं, गठन करते हैं, वी आर द वन हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, घसीट कर ले जाएगी, बीटन पीटेगी एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कोई इलीगल जुर्म में फंसा कर जेल में डाल देगी, क्योंकि हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ये फिरोजाबाद के उन युवकों ने कहा, देश से उन्होंने कहा। देर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई ऐसा नेता नहीं है, नो वन हु कुड हेल्प, और कोई सहायता करने वाला नहीं है, डिफरेंटली यानी कि किसी प्रकार की उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, केवल नेता लोग वोट लेने के लिए आ जाते हैं। डियर फादर्स आज एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी ऐसाए थे जिस प्रकार आज भी वो ऐसाए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पिरिचुअल दैट मूव्स फ्रॉम पावर्टी एटप्टी टू ग्रीड एंड इनजस्टिस, उनकी बातें थी वो अंतहीन थी, निर्धनता से भावहीनता,
लालच और अन्याय के बारे में, अर्थात वो असहाय रहकर, हेल्पलेस रहकर, होपलेस रहकर कुछ नहीं कर पा रहे। कौन? फिरोजाबाद के नौजवान लड़के या उनके फादर्स एंड फोर फादर्स। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। अब आपने एक पोएम भी पढ़ी थी शायद, कि वो मैप जो प्राथमिक स्कूल स्लम एरिया में, वो मैप उनका नहीं है, उसमें गलियां दिखाई नहीं है। तो लेखिका भी कहती है कि मैंने, मेरी आंखों के सामने अब दो दुनिया इस देश की दिखाई देने लगी, यानी कि भारत में भी दो प्रकार के भारत रह रहे हैं। वन ऑफ द फैमिली कार्ट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक जो गरीबी में जकड़ा हुआ बचपन है, परिवार है, बर्डनड बाई द स्टिंगमा, कलंक है वो कास्ट इन विच दे आर बोर्न, यानी कि बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनमें जन्म लेना ही एक कलंक का कारण है। दादर द विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, और दूसरा उन दुष्ट लोगों का जो दलाल हैं, साहूकार्स हैं, मिडलमैन हैं, यानी कि बिचौलिए हैं, और पुलिस है, द कीपर ऑफ कानून के रखवाले हैं, द ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारी आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है, द पॉलिटिशियन और राजनेता। एक संसार तो वो है जिनका भरपेट खाना नहीं मिलता, और दूसरा ये संसार है हमारे देश में, बिचौलिए हैं, दलाल हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पावर होते हुए भी, और इतना गवर्नमेंट का पैसा कहीं लगाने की बजाय वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, अर्थात इन सब ने मिलकर उन बच्चों के ऊपर बोझ को लाद दिया है, जो कोशिश करने पर भी उस बोझ को हल्का नहीं कर सकते, उतार नहीं सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट इज़ नेचुरली एट इज फादर, और वो आसानी से अपने उस माँ बाप के प्रोफेशन को, माँ बाप की गरीबी को, माँ बाप की दयनीय स्थिति को, और जिन परिवारों में रह रहे हैं, आसानी से उसको अडेप्ट कर देते हैं। टू डू एनीथिंग इट्स वुड मीन टू डेयर, कहते हैं कि जितना भी एक स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर सकते हैं, टू डू एनीथिंग इल्स वुड मीन टू डेयर, यानी कि ऐसा नहीं कि उनको साहस नहीं है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, डेयरिंग और ये एक भाग नहीं है, अर्थात कुछ करने का इसके अलावा करने का अर्थ है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, और लेखिका कहती है कि जब मुकेश के अंदर थोड़ी सी, मैं यानी कि मुकेश ने शुरुआत में कहा था कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, तो थोड़ी सी उसे एक आशा की किरण दिखाई देती है। आई एम चीयर्ड, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक अगेन, मुकेश कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो अपने शब्दों को दोहराता है। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, कहता है वो गैरेज, यानी कि गैरेज वो होते हैं कि जिसमें गाड़ियाँ वाड़ियाँ ठीक होती है, जिसको आप, हम लोग ये बोलते हैं गाड़ियाँ वाड़ियाँ, ऑटो मार्केट, तो उसमें गैरेज होते हैं, 10-15 कारीगर काम करते हैं, सिखाने वाले सीखने वाले भी होते हैं, वहाँ जाऊँगा और सीखूँगा। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है नज़दीक इस फिरोजाबाद के अंदर, वो काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, मैं वहाँ चल कर जाऊँगा। ही इंसिस्ट, अर्थात वो अधीरता के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ इस बात को कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, लेखिका कहती है कि मैंने वैसे ही पूछ लिया कि क्या आप हवाई जहाज चलाना भी सीखोगे। ही इज सडनली साइलेंट, बिल्कुल शांत हो गया। नो, उसने कहा नहीं। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो उसकी आंखें थी वो जमीन में गड़ी हुई थी। इन हिज स्माल मरमर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, अर्थात कि जो सपना है वो अचानक चुप हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी उसके अंदर घबराहट है, अभी घबराहट है, लेकिन वो थोड़ा सा रिग्रेट, खेद भी महसूस करता है, क्योंकि अभी तो उसने मोटर मैकेनिक से पहले मोटर चलाना सीखेगा, उसके बाद हवाई जहाज का नंबर आएगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसके लिए कंफ्यूज करने वाला है। ही इज़ कंटेंटेड टू ड्रीम ऑफ कार्स, सिर्फ उसका सपना है, क्या है, कार को सीखना, और जो कारें आसपास वहाँ घूमती है। दैट ही सीज हर्टलिंग, हर्टलिंग का मतलब डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज ओमन, यानी कि फिरोजाबाद के अंदर भी अनेक प्रकार के व्यापारी जो फिरोजाबाद में आते हैं देश के भिन्न भिन्न भागों से चूड़ियाँ खरीदने के लिए, और तो इस प्रकार की गाड़ी को वो दौड़ता हुआ अपनी गली में देखता है, अपने मोहल्ले में देखता है, फिरोजाबाद में देखता है, इसलिए वो इसकी तरफ आकर्षित हुआ कि मैं भी गाड़ी चलाना सीखूँगा।
फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और दूसरी बात है कि फिरोजाबाद शहर के ऊपर इक्का दुक्का कोई हवाई जहाज उड़ते होंगे। लेखिका कहने का तात्पर्य कि वहाँ गाड़ियों से तो अभ्यस्त हो गया, उसको नज़दीक से देखा लेकिन हवाई जहाज को कभी ज़िंदगी में उसने ऊपर उड़ता हुआ देखा और नज़दीक से नहीं देखा। द स्टोरी मैसेज लोस्ट सफरिंग, कहने का तात्पर्य कि भारत में यदि आज संसार की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बचपन है और बचपन में निराशा है, बचपन में जो गरीबी है, और उस बचपन के अंदर जिसमें आप लोग हमारे इस इलाके के बच्चे स्कूल आते हैं, चलो अभी तो कोरोना काल है, आसपास खेलते हैं, खुशियां मनाते हैं, मस्ती से रहते हैं, बेफिक्र हैं, लेकिन देश के करोड़ों बच्चे ऐसे हैं कि जन्म लेते ही 4-5 साल के होने के बाद उन्हें कमाकर खाना पड़ता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उन बच्चों की परिस्थितियाँ क्या होगी। दे डोंट व्हाट इज़ द मीन ऑफ स्कूल, दे डोंट व्हाट इज़ द मीन ऑफ हाउस, और वहाँ वो कचरा बिनने वाले बच्चे थे, यहाँ ये चूड़ी बनाने वाले हैं, पूरे संसार को देख ही नहीं पाते। फिरोजाबाद और सीमापुरी दिल्ली के नज़दीक होते हुए भी शायद पूरे जीवन भर उन्होंने कनॉट प्लेस को नहीं देखा होगा, इंडिया गेट को नहीं देखा होगा, लाल किला को नहीं देखा होगा, या अपने इलाके से बाहर जाकर किसी स्थान को नहीं देखा होगा। पूरी ज़िंदगी उस घुटन भरे और पतली गलियों में ऐसे बच्चे गुजार देते हैं। तो थैंक यू, वर्ड मीनिंग मस्ट है, और 2 या 3 बार स्टोरी को आपने रीड करना है बेटे, और रियल मीनिंग कि पावर्टी किस प्रकार बच्चों का जो बचपन छीन लेती है उस पर विचार करना है। जो हम लोग कई बार ये गांव में भी आ जाते हैं कि जो लोग एक त्रिपाल नुमा लगा के टेंट में रहते हैं, या किसी भी हम हिंदुस्तान के कस्बे में चले जाएं तो आपको झोंपड़पट्टी में रहने वाले, गंदी बस्ती में रहने वाले लोग मिल जाएंगे। किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहाँ आपको सैकड़ों में 5 साल के 7 साल के बच्चे भीख मांगते हुए मिलेंगे। तो ये दृश्य है, उसका अवलोकन लेखिका ने किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।